पिछले कुछ महीनों में इंडियन गेमिंग कम्युनिटी की ग्रोथ किसी से नहीं छुपी है। यूट्यूब पर व्यूज की बात हो या सब्सक्राइबर्स की, इस कम्युनिटी के नंबर बहुत ही तेजी से बढ़े हैं। कुछ साल पहले तक इंडिया में बहुत कम लोगों के पास गेमिंग कंप्यूटर्स होने की वजह से इंडियंस को गेमिंग कॉन्टेंट से रिलेट करने का कोई औपचारिक साधन नहीं मिल रहा था। इस समस्या का समाधान आया पबजी मोबाइल के लॉन्च होने से। इस गेम की ग्रोथ जितनी तेजी से हुई है, उस तेजी ने देश के यूथ के बीच एक लहर शुरू करी और उसी लहर के नतीजे से देश को कई गेमर्स मिले। इन्हीं गेमर्स में से एक नाम है मॉर्टल का। मॉर्टल देश के सबसे बड़े गेमिंग यूट्यूबर्स में से एक हैं और इनके चैनल पर आज 3 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। ये नंबर यूं तो बहुत बड़ा है, पर जितना कॉन्ट्रीब्यूशन इन्होंने इंडियन गेमिंग कम्युनिटी की तरफ करा है उसके मुकाबले फिर भी कम है। 8-10 साल पहले अगर कोई कहता कि वो इंडिया में गेमिंग के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहता है तो ज्यादातर लोग इस बात का मजाक बनाते और बहुत ही कम इस पर विश्वास कर पाते। पर समय और तकनीक के बदलाव ने ऐसे नए नए अवसरों को जन्म दिया जिन्होंने गेमिंग जैसी कैटेगरी में भी बहुत स्कोप बढ़ा दिया है। अगर आपको अभी तक मेरी बातों पर विश्वास नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो में मॉर्टल यानी नमन माथुर की जिंदगी की कहानी जानिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपके गेमिंग और इस प्रोफेशन के बारे में विचार पूरी तरह से बदल जाएंगे। ये सब शुरू होता है महाराष्ट्र से, जहाँ नमन माथुर की जिंदगी की शुरुआत हुई। शुरुआत से ही नमन अपने घर के कंप्यूटर पर गेम्स खेलने में इंटरेस्टेड रहते। हर दूसरे टीनेजर की तरह ही नमन ने भी अपने टीनेज ईयर्स में कुछ ऐसे गेम्स खेले जिनका चलन दुनिया भर में बहुत ज्यादा था। इनमें सबसे चर्चित नाम है GTA San Andreas का। GTA और मारियो जैसे गेम्स खेलकर नमन की गेमिंग जर्नी की शुरुआत हुई। शुरुआत से ही पढ़ाई और गेम्स के बीच सही बैलेंस बनाते हुए नमन बड़े हुए। बड़े होते ही कई बार ऐसा भी होता था कि नमन पढ़ाई में कम और गेम्स खेलने में ज्यादा समय बिताते। नमन बताते हैं कि बड़े होते हुए जो गेम उन्हें सबसे ज्यादा एडिक्टिव लगता था और जिसे खेलते हुए उन्होंने सबसे ज्यादा समय बिताया था, वो था काउंटर स्ट्राइक एक कंप्यूटर गेम है और कंसिस्टेंटली साल दर साल सबसे ज्यादा खेला जाता है। काउंटर स्ट्राइक जैसे मल्टीप्लेयर गेम्स खेले तो नमन की दूसरे कुछ ऑनलाइन प्लेयर्स के साथ दोस्ती बढ़ी और उनके साथ तालमेल भी अच्छी होने लगी। ज्यादा से ज्यादा समय गेम्स खेलते हुए बिताने पर नमन के परिवार वालों ने भी रिएक्ट करा। वह बिल्कुल खुश नहीं थे कि नमन पढ़ाई को कम और गेम्स को ज्यादा तवज्जो दिया करते थे। जब घर से इस मुद्दे पर प्रेशर बढ़ा तो नमन ने इसके बाद गेम्स खेलने थोड़े कम कर दिए और फिर लॉन्च हुआ एक मोबाइल गेम जिसका नाम था मिनी मिलिशिया। मिनी मिलिशिया आते ही एक हिट मोबाइल गेम साबित हुआ। देश भर में से टीनेजर्स इस गेम को खेल रहे थे। काउंटर स्ट्राइक की तरह ही ये भी एक मल्टीप्लेयर गेम था जिसकी वजह से मॉर्टल हर रोज गेम के जरिए नए दोस्त बनाते। इन्हीं कुछ दोस्तों के साथ गेम में कोऑर्डिनेशन इतनी अच्छी हो गई कि देखते ही देखते अब एक गेमिंग क्लैन बन चुका था जिसका नाम था सोल। इस क्लैन में नमन और उनके जैसे ही कई और प्लेयर शामिल थे। काउंटर स्ट्राइक खेलते हुए वे जितना समय बिताते थे उससे कई ज्यादा समय उन्होंने मिनी मिलिशिया को खेलते हुए बिताया। यही वो समय था जब नमन ने अपने YouTube चैनल की भी शुरुआत करी और सही मायनों में कहा जाए तो यहीं से नमन माथुर बने मॉर्टल, और इसी को और बेहतर शब्दों में कहा जाए तो सोल मॉर्टल। कभी कभार YouTube पर वीडियोस डाली पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वीडियोस में ज्यादातर वे अपने दोस्तों के साथ खेले हुए मैचेस की शॉर्ट क्लिप्स अपलोड किया करते थे। उस वक्त देश में गेमिंग को लेकर ज्यादा बातें नहीं चलती थी और इसी कारण उनकी वीडियोस पर भी कुछ खास व्यूज नहीं आते थे। और आपको बता दूं कि साथ ही में नमन की एक ऑफलाइन जिंदगी भी चालू थी जिसमें वह अपनी 12वीं क्लास पास कर चुके थे और BCom का कोर्स कर रहे थे। जब घर से गेम्स ना खेलने का प्रेशर बढ़ा तो नमन ने घर में गेम्स खेलने बंद कर दिए और कॉलेज में खेलने शुरू कर दिए। कई बार वह क्लास में बैठकर अपने दोस्तों के साथ घंटों तक मिनी मिलिशिया खेला करते थे। मॉर्टल और उनके जैसे कई और गेमर्स के लिए लाइफ चेंजिंग साबित होने वाला गेम अभी भी लॉन्च होना बाकी था। 9 फरवरी 2018 को पबजी मोबाइल लॉन्च हुआ और लॉन्च होते ही इस गेम के डाउनलोड्स तेजी से बढ़ने लगे। जल्दी ही तेजी ने तूफान का रूप अपना लिया और देश भर में इसकी लहर चल गई। बेहतर गेमिंग एक्सपीरियंस होने की वजह से मॉर्टल भी गेम को खेलते ही गेम के फैन बन गए। कई महीनों तक गेम की प्रैक्टिस करी और गेम में अपने स्किल्स को डेवलप करते रहे। उसके बाद उन्होंने सोचा कि जो यूट्यूब चैनल उन्होंने बनाया हुआ था क्यों ना उस पर अब पबजी की वीडियोज अपलोड करी जाए। YouTube पर वीडियोस अपलोड करे हुए उन्हें एक अरसा हो चुका था जिसके बाद उन्होंने अपनी पहली पबजी की वीडियो डाली। पहली वीडियो जो उन्होंने डाली थी उसका टाइटल था 1v1 लास्ट जोन। इस वीडियो के बाद उन्होंने YouTube पर कुछ ऐसी वीडियोस डाली जिसमें वे पबजी प्लेयर्स को गेम से जुड़ी हुई टिप्स और ट्रिक्स बता रहे थे।
उनकी टिप्स की एक्सप्लेनेशन और गेम प्ले ऐसा था कि जो उन्हें खेलते हुए देखता वह उनका फैन बन जाता। वीडियोस इतनी यूनिक और अच्छी थी कि जल्दी ही उनमें से एक वीडियो देश भर में वायरल हो गई। कमेंट्स और सब्सक्राइबर्स उनके चैनल पर बढ़ने लगे। मॉर्टल ने अपने चैनल पर ऐसी ग्रोथ देखी जिसकी कल्पना उन्होंने सपने में भी नहीं करी होगी। इतनी तेज ग्रोथ देखने के बाद मॉर्टल ने कुछ और वीडियोस भी अपलोड करी और साथ ही में पबजी खेलते हुए लाइव स्ट्रीमिंग भी चालू कर दी। लाइव स्ट्रीम पर हजारों की संख्या में व्यूअर्स जुड़ने लगे। देश भर से व्यूअर्स जब उन्हें लाइव खेलते हुए देख रहे थे तो उनकी स्किल से और ज्यादा इंप्रेस हो रहे थे। जल्दी ही उनको देश के बेस्ट गेमर्स की लिस्ट में गिना जाने लगा। यूट्यूब से अच्छे पैसे और रिस्पॉन्स आया तो अब नमन ने भी इस पर गौर करनी शुरू कर दी और गेमिंग को और ज्यादा सीरियस रूप से देखने लगे। जहाँ पहले वो ज्यादातर मस्ती में गेम्स खेला करते थे, अब उन्होंने उस मस्ती को फोकस में बदल दिया और अपनी स्किल्स को दिन पर दिन इम्प्रूव करते रहे। फरवरी 2019 तक उनके चैनल ने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का मार्क भी क्रॉस कर दिया। यूट्यूब पर मिलती सफलता को देख उनके परिवार वालों ने भी उन्हें गेम्स खेलने से रोकना बंद कर दिया। अब नमन ने यूट्यूब के साथ प्रोफेशनल लीग्स में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया। लगभग वह जिस लीग में खेलने जाते थे उसमें सोल की ओर से खेलते हुए नंबर वन पोजीशन ही हासिल करते थे। प्रोफेशनली खेलते हुए उन्होंने और सोल क्लैन ने कई प्राइजेस और बड़ी अमाउंट्स के चेक जीते हैं। आज उनके चैनल पर 3 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और 250 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं और इन्हीं नंबर्स के साथ वे देश के सबसे लोकप्रिय गेमर बने हुए हैं। साथ ही साथ मॉर्टल देश में कई और उभरते हुए गेमर्स के लिए एक इंस्पिरेशन भी बने और उन्होंने ये साबित करा कि अगर स्किल पर काम करा जाए तो कम उम्र में भी क्या कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, ये थी कहानी हमारे देश के वन ऑफ द बेस्ट गेमर्स नमन माथुर AKA मॉर्टल की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप ऐसी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और ऐसी और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा। धन्यवाद।